तुम्हें इन सब में घर में से किसका बेहतरीन बेहतरीन लगा सबसे? मुझे सलमान खान का प्यारा था, बट ना ऋतिक रोशन का जो खाना घर और लाइफस्टाइल, और वो खुद भी इतना खूबसूरत और हैंडसम है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख, यू वाचिंग माय YouTube चैनल एंड यू। दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 स्टार्स जो कि बहुत बड़े माने जा रहे हैं बॉलीवुड के, इंडियंस हैं, और उनका लाइफ स्टाइल हम आज देखेंगे कि उनका, आप सबको पता है कि करोड़ों में इनकी ज़िंदगी होती है, इनका राज होता है पैसों पर। तो देखते हैं कि इनके घर और लाइफ स्टाइल कैसा है। क्या बात है अनम शेख, आपने सारी तारीफ़ें कर दी, आपने मेरे हिस्से में कुछ छोड़ा नहीं। वाकई ही मैं ही मैं अनम की बात से मुतफिक करता हूँ, इनकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ, इनको मैं मानता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की कि वो करोड़पति लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, ये तो मैं भी देखना चाहूँगा। चलो फिर वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इस वीडियो में। 1, 2, 3 लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड सितारों की कार करोड़ों की होती है, तो इनके घर कितने के होंगे? तो आज बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे बंगले देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है रणबीर कपूर का फ्लैट। इनका फ्लैट पाली हिल बांद्रा में है, जिसकी कीमत है 35 करोड़ रुपए। रणबीर ने 7th फ्लोर खरीद रखा है जो 2460 स्क्वायर फीट का है, और ये गौरी खान ने डिजाइन किया है। साथ ही साथ इनका फ्लैट कपूर खानदान के घर के पास ही है। नंबर 9 पर है शाहिद कपूर। 56 करोड़ रुपीज़ का है इनका फ्लैट, जो कि वर्ली में है। इनका फ्लैट 42 और 43 माले पे है, जो कि एक डुप्लेक्स फ्लैट है जहाँ से समुंदर भी दिखता है। नंबर 8 पर है अजय देवगन। शिव शक्ति की प्राइस है 60 करोड़ रुपए, जो कि जुहू में स्थित है। 590 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है, जिसमें लाउंज एरिया, डाइनिंग रूम, कई सारे बालकनी, 4 बेडरूम, गार्डन और एक बड़ा पूजा रूम भी है। नंबर 7 पर है जॉन अब्राहम। इनका फ्लैट बांद्रा में है, जिसकी प्राइस है लगभग 60 करोड़ रुपए, जो कि 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जॉन के घर में वुड का काफी यूज किया गया है, जिसमें से एक बड़ा वार्डरोब, मॉडर्न किचन, मास्टर लाउंज एरिया और जिम भी है। नंबर 6 पर आते हैं अक्षय कुमार। इनका घर का नाम है प्राइम बीच, जिसकी कीमत है 80 करोड़ रुपए। इनका घर जो बीच के काफी करीब है। अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने डिजाइन किया। एक सिनेमा, लाइब्रेरी, जू बीच की तरफ ही एक बड़ा सा गार्डन, जिम और एक बड़ा सा किचन। तुम्हें पता है वर्ल्ड पूरे स्टेट में पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, और इंडिया 36 में। इसी से तुम अंदाजा लगाओ। ऋतिक रोशन। ऋतिक ने नया 27,534 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स और एक सिंगल 11,165 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत है 97 करोड़। पहले माले पे रहते हैं। मैंने इसकी मूवीज देखी, क्रिश, जिसमें ऐसे दौड़ता ऊपर को। मैं जब छोटा सा होता था, वो जब कहता है कि माँ मुझे सब दिखाई देने लगा, माँ करके दिखाओ, माँ माँ मुझे सब दिखाई देने लगा, माँ ऐसे। चलो बहुत मजे की, वैसे तुम्हें भी करोड़ मिल जाना चाहिए। और एक बालकनी भी है जहाँ से वो अपने फैंस से मिला करते हैं। नंबर 3 पर है अमिताभ बच्चन साहब का घर जलसा। 10,125 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसकी प्राइस 100 करोड़ से 120 करोड़ रुपए। इनके घर में कई ऐसी दीवारें हैं जिनमें कई सारी तस्वीरें हैं। जलसा में लाइब्रेरी, इटालियन बाथरूम, ड्राइंग रूम, मास्टर बेडरूम और एक बड़ा सा गार्डन है। नंबर 2 पर है शाहरुख खान। इनके घर मन्नत की प्राइस है 200 करोड़। इनकी भी एक मूवी है ना, वो 6 फ्लोर है, जिसमें मीटिंग रूम, एंटरटेनमेंट रूम, जिम, स्विमिंग पूल, ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी और पार्किंग भी है। इस घर में 200 से भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं, और मन्नत बांद्रा वेस्ट में। नंबर 1 पर आते हैं सैफ अली खान। पूरे बॉलीवुड में सबसे महंगा घर सैफ अली खान का है, पटौती हाउस, जिसकी कीमत है 800 करोड़। ये वो हम पागल नहीं है भैया वाले, ये ना 7 ड्रेसिंग रूम, 7 बिलियर्ड रूम, शाही ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और कुल मिलाकर 150 रूम है, जो 10 एकड़ में फैला हुआ है, और ये इंडिया के सबसे महंगे घरों में शामिल है। लेकिन आपने इंडिया के टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर की कार नहीं देखी है, तो जरूर देखना।
बहुत जबरदस्त यार, कैसा लगा तुम्हें? बहुत जबरदस्त, सबसे ज्यादा लोगों का लाइफ स्टाइल, इन लोगों का लाइफ स्टाइल ही नहीं कितना कमाल का यार, तुम सोचो। हाँ, और हमारे पाकिस्तान में हम लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तानी हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं करो, तुम अगर करनी भी हो तो एक्टर्स की बात करो। तुम्हें क्या लगता है हमारे एक्टर्स ऐसे है? उनकी लाइफ स्टाइल में फर्क है यार, ये हर एक मूवी का तुम पता 500 करोड़ 1000 करोड़ तक चली जाती है तो फिर इनका लाइफ स्टाइल तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ना। सही बात है, खाली इंडिया थोड़ी देखते हैं, हर पूरी दुनिया में देखते हैं तो फिर इतना तो बनता ही है इनका। एग्जैक्टली, बट ये लगाते भी तो है ना ये लोग, खाली मतलब कमाते तो नहीं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, पैसे होंगे तो लगाएंगे ना। हाँ, जब पैसे नहीं होंगे तो लगाएंगे कहाँ से। और लाइफ स्टाइल तो जब पैसा है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तुमने देखा नहीं सलमान खान का घर कितना बड़ा था यार? हाँ, और जबकि मुसलमान है वो, मुस्लिम है। मुस्लिम और इसमें कोई होता नहीं है, बस जब बात कर रही हूँ कि वो मुस्लिम है और फिर भी उसमें इतनी वो था, टैलेंट तो मुसलमानों में भी होता है, बट उजागर करने की बात है ना, आगे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। बट मुझे बहुत खूबसूरत लगा और आई विश कि मेरा घर भी इतना खूबसूरत हो। तुम्हें इन सब में घर में से किसका बेहतरीन लगा सबसे? मुझे सलमान खान का प्यारा था, बट ना ऋतिक रोशन का जो था ना घर और लाइफ स्टाइल, और वो खुद भी इतना खूबसूरत और हैंडसम है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। और तुम्हें? मुझे खुद ऋतिक रोशन का घर और सलमान खान का इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किसका घर ज़्यादा बेहतरीन लगा सबसे। और अगर आपको यही लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, और हमें बताइएगा भी कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आप देखना चाहते हैं, हम किस पर रिएक्शन दें, और आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है या नहीं। और मोस्टली मैंने वीडियोज़ देखी होती बट इसने नहीं देखी होती, ये बेचारा है। तो ऐसे नहीं कहना, नहीं कहना, वीडियोज़ देखी ही नहीं हमने, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा, नहीं देखी, ये काट देना। हाँ, चलो, तो कहाँ से करना था जी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजम्मिल कुरैशी और अनम शेख को इजाज़त दें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, अगर आप इस वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दें, बाय बाय।